नमस्कार दोस्तों पी टी डी एन ए में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम यहाँ पे दिन भर के बिजनेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं अगर हम लोग आज के बाज़ार की बात करते हैं तो सेंसेक्स लगभग तीन परसेंट और निफ्टी तीन परसेंट डाउन हुए हैं लगभग आप लोगों के जो पॉइंट्स अभी हैं सेंसेक्स पे थर्टी थाउजेंड सिक्स थ्री सिक्स है और निफ्टी पे एट नाइन एट वन है गोल्ड की अगर बात करते हैं तो सतहत्तर हज़ार सौ रुपये है ये प्रति 10 ग्राम की प्राइस है डॉलर की कर बात करें तो ये 30 पैसे कमजोर होकर के छिहत्तर रुपये नब्बे पैसे पे बंद हुआ है मिड कैप की बात करें तो ये सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ था स्मॉल कैप भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ था तो ये दोनों ही लगभग डेढ़ परसेंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो इसको पूरा डुबाने का काम क्रूड ऑयल ने किया है ऑयल प्रेशर जो सेलिंग पे था अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की भी इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं आगे वाली स्लाइड्स में अगर हम बात करते हैं दोस्तों सुजुकी की वी स्ट्रोम वी एस सिक्स इंजन के साथ आप लोगों के सामने लॉन्च होने वाली है ये आप आप लोगों की जब लॉकडाउन खत्म होगा फिर उसके बाद ही लॉन्च होगी ऑब्वियस सी बात है तो इसमें सिक्सटी टू न्यूट्रन मीटर का पीक टाक जनरेट करना और ड्यूअल ई सिस्टम यानी कि ऑटो मैटिक ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को मिलेगा 645 सीसी का इंजन होगा और इसका मॉडल जो होगा वी एस सिक्स जो कि वी स्ट्रोम सिक्स फिफ्टी एक्सटी ठीक है अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो मोदी जी ने भी कहा है कि अगर आप जूम जैसे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसे सुरक्षित एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप लोग उसके इनाम के हकदार भी हो सकते हैं साथ ही यहाँ पे व्हाट्सअप ने अपडेट दिया है कि अब आप वीडियो कॉलिंग आठ लोग तक एक साथ कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप लोग इंडिविजुअली कॉल करते हैं तो आठ लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं अभी ये अपडेट आई नहीं है पर बीटा वर्जन में इस अपडेट को देखा जा सकता है और आने वाले समय में आप लोगों को ये एप्लीकेशन पे भी अपडेट देखने को मिल जाएगा बाकी अगर हम लोग क्रूड ऑयल की एनालिसिस करते हैं जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अगर यूएस मार्केट की बात करते हैं तो थर्टी सेवन माइनस थर्टी सेवन डॉलर पर बैरल इसका जो मेन कारण है वो है डिमांड और सेलिंग ठीक है और दूसरा रीज़न है दोस्तों कि इनका वायदा बाज़ार का या फिर कह लीजिए फ्यूचर ट्रेडिंग में इसकी एक्सपायरी भी थी तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली अगर आप लोग देखेंगे मई के आ, वायदा बाज़ार में तो उसमें अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है बाकी अब धीरे धीरे इसकी स्थिति सुधर रही है और अभी जो मार्केट खुला है अगर हम बात करते हैं यूएस की तो फिर से उसी तरह से डाउनफॉल के साथ ही खुला है लगभग दो परसेंट तक मार्केट डाउन है यूएस का तो इससे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि अभी ऑयल में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और इंडिया पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा लेकिन बात ये आती है कि इतना सस्ता पर बैरल आप लोगों को क्रूड ऑयल मिल रहा है तो इससे इंडिया को किस तरह के बेनिफिट हो सकते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के नोट डाउन करे हैं अगर आप देखेंगे तो 82 परसेंट क्रूड ऑयल भारत इंप, इंपोर्ट करता है यानी कि एक तरह से पूरी इकोनॉमी डिपेंड कर रही है इंडिया की क्रूड ऑयल पे 82 परसेंट तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो यूज़ करता है इंडिया वो है बेंट क्रूड ऑयल और ये यू से डिमांड नहीं करता है, ये ओपेक कंट्रीज से डिमांड करता है ठीक है और ओपेक कंट्रीज़ में भी अगर हम बात करते हैं बेंट क्रूड ऑयल्स की तो ये भी 60 परसेंट तक डाउन हुए तो केवल इनका इसको बेनिफिट मिलेगा ठीक है बाकी यूएस से इसका किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है जो भी बेनिफिट इसको मिलने वाला है बैंड क्रूड ऑयल पे मिलने वाला है लेकिन इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है क्योंकि इस समय मार्केट में जो डिमांड है लॉकडाउन के चलते वो काफ़ी कम है तो आप लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जब दोबारा से लॉकडाउन ओपन होगा तो ये फिर दोबारा से इनकी प्राइजेस बढ़ेंगी लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो इंडिया में एक चीज़ अच्छी हुई है कि करेंसीज़ की प्राइस स्टेबल हुई है वरना ये अस्सी के ऊपर भी जा सकती थी अगर क्रूड ऑयल नहीं गिरता तो करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं रहती करेंसी में अनस्टेबिलिटी आ जाती और वो अस्सी के ऊपर भी जा करके ट्रेड कर सकता था यानी कि एक डॉलर अस्सी के पास भी जा सकता था एक डॉलर बराबर अस्सी रुपये भी हो सकता था बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑयल कंपनीज़ क्या करती हैं ऑयल कंपनीज़ करती हैं कि वो जो भी अपना ऑर्डर प्लेसड करती हैं क्योंकि देखिए हाई डिमांड की वजह से वो हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डर प्लेस करती हैं तो अप्रॉक्स वो दो से तीन मंथ पहले ही अपने प्री ऑर्डर पेमेंट के साथ वो यू uh, नो you know, ऑयल ओपैक कंट्री से क्रूड ऑयल की डिमांड कर लेती हैं बैंड क्रूड ऑयल की डिमांड कर लेती हैं तो इस वजह से उनको भी प्रेजेंट मार्केट में भी ज़्यादा यू नो उनके पास भी स्पेस uh, होने चाहिए उन क्रूड ऑयल को इकट्ठा करके रखने के लिए तो ज़्यादा फ़ायदा इसके नहीं मिलने वाला है लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होने ही वाला है बाकी अगर हम लोग कल के शेयर मार्केट की बात करें तो ये सब कुछ आप लोगों का सेलिंग प्रेशर पर होने वाला है हम लोग आगे चल करके बात करते हैं इसके बारे में भी लॉकडाउन की बात करें दोस्तों तो ट्रांजेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है यूपीआई के अगर आप एनपीसीआई की रिपोर्ट देखते हैं तो यूपीआई में मार्च में जो कि इस बार ट्रांजेक्शन हुआ है लोगों ने ट्रांजेक्शन करे हैं लेन देन किए हैं पैसों के लगभग एक करोड़ लोग वही फेबररी में एक करोड़ रुपये ट्रांजेक्शन हुए हैं अगर आप लोग इसके पैसों की बात करते हैं तो आप लोगों के फेबररी में टू पॉइंट टू थ्री लाख केवल यू से ट्रांजेक्शन हुए थे और फ, आ, मार्च में 2.06 लाख यानी कि लोगों का जो भरोसा है यू पे वो थोड़ा कम हुआ है और यू को थोड़ा भरोसा इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि यू से लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी से हैक्ड हो जा रहे हैं लोगों के पास लिंक भेजे जा रहे हैं और वो लिंक पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं पेमेंट उनको रिसीव होने की बजाय दूसरे को रिसीव हो जा रही है ठीक है तो थोड़ा बहुत ये भी रीज़न हो सकता है जैसे कि यू पे लोगों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है अगर आप आई के भी डेटा को देखते हैं तो आई का डेटा भी जो कि फेबररी में ट्वेंटी करोड़ यूज़र्स थे ट्रांजेक्शन के लिए लेकिन अब जो यूज़र्स है ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स एट करोड़ ही रह गए हैं लेकिन यहाँ पे आरटीजीएस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है थर्टी फोर परसेंट की इंक्रीज आई है और अगर आप लोग पूरी डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं पूरे पैसों की ट्रांसफर की बात करते हैं तो लगभग एक सौ बीस दशमलव चार सात लाख करोड़ का पैसा ट्रांसफर हुआ है केवल आरटीजीएस से मार्च के महीने में ये रिपोर्ट एन की है पेटीएम पेमेंट बैंक भी दोस्तों हमेशा इसका यही काम है कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है लास्ट टाइम जब नोटबंदी हुई थी तो पेटीएम काफ़ी उभर करके निकला था और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी बनाई थी हमारे इंडिया में और पे की बात करते हैं तो इस समय लॉकडाउन में भी लगभग इसके पास 57 मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर्स हो गए हैं ये रिसेंट डेटा है और इसके पास जो डिपॉजिट्स हैं इन सेविंग अकाउंट्स में एक हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा हैं सीधा सीधा दोस्तों लोग पे टी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं पे पेमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं तो उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं तो अब आप लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो इनकी ब्रांचेस भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं धीरे धीरे क्योंकि इनके डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो अब ये सोचेंगे कि इनके ब्रांचेस भी अलग अलग ज़िलों में अलग अलग राज्यों में फैलाए जाएं इसका सीधा इफेक्ट कोविड नाइन्टीन की वजह से है आप लोगों को पता ही है और दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो हमेशा से ये बेनिफिट में होता है जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है इंडिया में अगर हम बात करते हैं लास्ट इमरजेंसी की सिचुएशन लगभग आप लोगों की नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन उस समय भी पेटीएम काफ़ी अच्छे से उभर करके आया था और इस समय लगभग सत्तावन मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर हो गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के पास और डिपॉजिट एक करोड़ के पार पहुँच चुका है यानी कि लॉकडाउन में लोगों ने पेटीएम पर ज़्यादा भरोसा किया है नेक्स्ट दोस्तों अगर कोरोना वायरस के अपडेट्स की बात करते हैं तो कल की जो अपडेट थी वो चौबीस लाख चौवन हजार मामले थे अब जो मामले हो गए हैं वो पच्चीस लाख एक हजार पाँच सौ चौवालीस मामले लगभग आप लोगों के पचास से पचपन हजार मामले बढ़े हैं और वहीं पर डेथ की बात करते हैं तो कल जो डेटा था एक लाख पैंसठ हजार नौ सौ उनतालीस के पास था और अभी रिसेंट का डेटा एक लाख इकहत्तर हज़ार सात सौ बीस है और ये बढ़ता ही जा रहा है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कल सत्रह हज़ार छः सौ छप्पन केसेस दर्ज हुए थे और अभी जो रिसेंट डेटा है वो अट्ठारह हजार नौ सौ पचासी के आसपास का है डेथ की बात करते हैं तो कल का डेटा था पाँच और आज का डेटा जो है 603 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में अगर दोस्तों आप लोग टेक्निकल में जाना चाहते हैं फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं 5G तो वन प्लस एट प्रो और वन प्लस एट आप लोगों के सामने 5G लॉन्च करेगी बहुत जल्दी ही यू नो इसका एक एक्सटेंडेड वेरिएंट होगा तो इसमें आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे एट प्रो में जो कि आठ जी RAM रैम और एक सौ हार्ड डिस्क की होगी यानी कि इंटरनल मेमोरी होगी इसकी बारह जी रैम और दो सौ इंटरनल मेमोरी ये आप लोगों को 55 से साठ हज़ार में आएंगे वन प्लस एट के प्राइस की बात करते हैं तो इसमें तीन सेगमेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं छः एक सौ का और आठ एक सौ अट्ठाईस का छः एक सौ वाला वेरिएंट आप लोगों को लगभग इकतालीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे का और आठ एक सौ वाला वेरिएंट आप लोगों को चौवालीस हजार नौ सौ निन्यानवे यानी कि पैंतालीस हज़ार में मिलने वाला है और लास्ट इसका जो वेरिएंट आएगा वो बारह जी और दो सौ छप्पन जी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा जो कि उनचास हज़ार नौ सौ निन्यानवे यानी कि पचास हज़ार रुपये के अप्रोक्स के प्राइस आएगा तो अगर आप लोग वन प्लस के फ़ैन हैं तो अगर फाइव जी फोन यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्पेसिफिकेशन वग़ैरह काफ़ी अच्छी हैं इसकी तो आप लोग इनको ले सकते हैं बाकी दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करते हैं कि कल मार्केट की मूवमेंट किस तरह से रहेगी तो अगर हम बात करते हैं तो यूएस मार्केट लगभग दो परसेंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ आज खुला है और अगर आप लोग देखेंगे तो इसका साफ साफ पता चलता है कि क्रूड ऑयल का प्रेशर बना हुआ है ठीक है सेलिंग प्रेशर इंडिया मार्केट में भी कल देखने को मिलेगा हाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट आप लोगों को फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकती है जैसे कि आज देख रहे हैं कि शेयर बाजार इंडियन शेयर बाजार लगभग तीन परसेंट से ज़्यादा गिरा लेकिन डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई और भी ऐसे बैंकिंग स्टॉक भी हैं जिन्होंने ज़्यादा नहीं पर एक अच्छी बढ़त दिखाई और जिस हिसाब से मार्केट को गिरना चाहिए था उस हिसाब से मार्केट नहीं गिरा बैंकिंग ने भी संभाल करके रखा शुरुआत में इनमें गिरावट देखने को मिली ज़्यादा लेकिन फिर धीरे धीरे स्टेबल हुआ लेकिन कुछ स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन गए टेलीकॉम सेक्टर ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई आज लेकिन कल भी टेलीकॉम सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है क्योंकि ऑल uh, स्टॉक जो भी हैं ऑल सेक्टर्स जो भी हैं वो आप लोगों के क्रूड ऑयल से इफेक्ट करेंगे लेकिन टेलीकॉम सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी आ, आ, बढ़त के साथ आ सकता है आप लोगों ने आज एयरटेल को भी देखा होगा एयरटेल पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ बाकी आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं ऑयल मार्केट को और ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर भी इससे प्रभावित रहेगा ही बैंकिंग सेक्टर भी प्रभावित रहेगा ही तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग सेंड कर सकते हैं द इंडियन फीवर सर्च कीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके नीचे बताइए बाकी और वीडियोज़ देखने के लिए डेली आप लोगों को बी टी डी एन ए की सीरीज़ मिलती रहेगी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो जय हिंद